देवास जिले के खातेगांव में मंडी व्यापारी साकेत कुमार पिता महेंद्र कुमार बाखलीवाल ने कृषि मंडी से लगभग 176 किसानों का गेहूं, चना, सोयाबीन लगभग 4871 क्विंटल कृषि उपज जिसकी कीमत लगभग 2,03,25,794 रुपए है का माल खरीदकर 3-4 माह से किसानों का पेमेंट नहीं किया है, जिसकी शिकायत किसान यूनियन और किसानों द्वारा मंडी सचिव को करने पर मंडी सचिव ने थाने पर शिकायत की। मंडी सचिव ने व्यापारी को समय समय पर किसानों का भुगतान करने हेतु नोटिस दिए गए। तहसीलदार खातेगांव द्वारा भी वसूली हेतु तहसील कोर्ट में प्रकरण चलाया गया, जिसमें व्यापारी की चल अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। व्यापारी द्वारा माल खरीदने से क्षेत्र के लगभग 176 किसानों को उपज का पैसा न मिलने से परेशान हो रहे हैं। थाने पर शिकायतों की जांच उपरांत पाया कि व्यापारी पर खरीदी गई उपज पर 1,95,00,000 रुपए का लोन प्राप्त कर राशि स्वयं उपयोग कर आपराधिक न्यास भंग एवं कृषि उपज मंडी अधिकार का उल्लंघन किए जाने पर आवेदक साकेत कुमार के विरुद्ध थाना खातेगांव पर आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ये साकेत वाला जो प्रकरण है, इसमें हमारे पास जब 7 मार्च को 2-3 किसानों की शिकायत आई थी तो हमने तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए 8 मार्च को प्रतिबंधित कर दिया था। किसान का भुगतान करने के लिए उसको सूचना पत्र भी जारी कर दिया गया था और बंद करने के दौरान ही समाचार पत्रों में समाचार छपने के बाद तो अन्य किसान जब हमारे पास शिकायत लेके आए कि हमारा भी भुगतान नहीं हुआ है, तब हमने फिर उसका पृथक से प्रकरण दर्ज करते हुए और उसको सूचीबद्ध करना शुरू किया तथा जो किसान जिनके बकाया थे उनके हमने लिखित आवेदन उनके भुगतान पत्र को सहित लेना शुरू किए और उनकी जांच करके और उनकी गणना करके बकाया राशि की हमने उसके संपत्ति को कुर्क करने के लिए तहसील में आवेदन लगाया, तहसील कार्यालय सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय की समक्ष। इतनी संपत्ति है कि किसानों का पूरा पेमेंट हो जाए। जी हाँ, जो अभी तक आई है संपत्ति सामने, उसमें जो अनुमान है बाजार प्रचलित मूल्य के अनुसार, उसमें पूरी उम्मीद है कि किसानों का भुगतान हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे द्वारा उसका चना भी तत्काल जब्त कर लिया गया था जो वेयर हाउस में भंडारित है, जिसमें यद्यपि फाइनेंस भी है लेकिन जो फाइनेंस से छोड़कर जो हमको राशि मिलेगी वो भी करीबन 50-60 लाख मिलेगी। तो इस प्रकार चने और अचल संपत्ति इन सब से मिलाकर हमें उम्मीद है कि ये किसानों का जो बकाया है ये पूरा वसूल हो जाएगा। लगभग कितना समय लगेगा इसमें? अब कुर्की के तो आदेश हो चुके हैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा और कुर्की की तारीख उनके द्वारा दिनांक 3 मई को तय की जानी है। बस वही नीलामी का समय जो है वो लगेगा और एकदम निश्चित तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये बहुत जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि वसूली कार्रवाई हो और किसानों की राशि हम उन्हें वापस कर सकें। किसान के पास साल भर में केवल उसके पास आय का साधन ही यही रहता है और वो अभी तक उससे बिछड़ गए, इस बारे में आपका क्या कहना? इसमें मंडी में ये एक ही व्यापारी का प्रकरण हुआ है और हम किसानों को जागरूकता के लिए प्रतिदिन उद्घोषणा करवाते हैं कि 3 दिन में, अधिकतम 3 दिन में यदि खाते में आपके राशि प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए तुरंत कार्यालय में सूचना करें, क्योंकि जो नए कानूनों के अनुसार RTGS से भुगतान करना पड़ता है किसान के खाते में, तो RTGS से राशि प्राप्त हुई है कि नहीं किसान को यह हमें स्वयं किसान ही बता सकता है जब हमें मालूम पड़ेगा। क्या RTGS से वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि किसान को नुकसान? देखिए, ये तो शासन की नीतियां होती है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम तो कानूनों का पालन बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से कराने की कोशिश करते हैं और इसमें भी कोशिश की है, लेकिन व्यापारी ने जो धोखाधड़ी करी है और रुकिया है उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी जारी है। क्या RTGS के पहले ऐसे कोई मामले आए? RTGS के पहले इसलिए नहीं आते थे क्योंकि भुगतान यदि नगद उसी समय नहीं होता था तो किसान तुरंत मंडी प्रांगण में स्थित ऑफिस में आ जाता था। इससे ऐसा लगता है कि RTGS से किसान को नुकसान? किसी प्रकरण के कारण किसी कानून को अपन दोषी नहीं ठहरा सकते, हो सकता है कुछ सुधार की जरूरत हो, वो देख रहे हैं।